بسم الله الرحمن الرحيم। काफी देर बाद जब मगरब की तरफ से गर्द के बादल उठते दिखाई दिए, तब उकबा बिन नाफे, मोहम्मद बिन औस और नईम बिन हमाद चौकने हो गए। अपने लश्कर का तीसरा हिस्सा फौरन उन्होंने जहाजों के मगरब में जो टीले थे उनके पीछे बिठा दिया था। लश्कर का दूसरा हिस्सा जो जहाज अभी साबित खड़ा था उसके अंदर तीरों से लैस करके बिठा दिया था। लश्कर का तीसरा हिस्सा अपने घोड़ों पर सवार होने के लिए बिल्कुल मुस्तैद और तैयार हो गया था। थोड़ी देर बाद सहले समंदर पर रोमनों का लश्कर नमोदार हुआ। लश्कर की कमांडारी हरकुलिस और असारीन कर रहे थे। हरकुलिस के अलावा असारीन और उनके लश्करियों के हौसले बहुत बुलंद थे, इसलिए कि वो इससे पहले सकाना की बस्तियों के अंदर कामयाब कार्रवाई कर चुके थे। हरकुलिस और असारीन बड़ी बरक रफ्तारी से साहिल की तरफ जहाज़ों का रुख कर रहे थे। जब वो जहाज़ों के करीब आए तब उन पर कयामत उतर पड़ी। अचानक तीरों की ओर से उन पर ऐसी तेज और लगातार तीर अंदाजी की गई कि अनगिनत रोमन चितकर अपने घोड़ों से गिर गए थे। उन रोमनों के पीछे पीछे ऊंटों का एक बहुत बड़ा कारवान आ रहा था। तहम बचने वाले रोमन तीरों की बौछार से बचते हुए बड़ी तेजी से जहाजों की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे, लेकिन उनकी दूसरी बदबख्ती उस वक्त शुरू हुई जब वो जहाज़ों के करीब गए। सामने जो जहाज सालिम खड़ा था उसके अंदर से भी उन पर ऐसी तीर अंदाजी की गई कि आगे बढ़ते हुए रोमन रुक गए थे। इसके बाद अचानक उकबा बिन नाफे, मोहम्मद बिन औस और नईम बिन हमाद अपने लश्कर को लेकर निकले और रोमनों पर हमला आवर हो गए थे। इस हमले को रोमनों ने अपने लिए नागहानी मौत समझा। इतनी देर तक जहाजों के अंदर जो मुसलमान लश्करी थे वो भी बाहर निकल आए और वो भी अपने घोड़ों पर सवार होकर रोमनों पर टूट पड़े थे। ये सारी कार्रवाई क्योंकि रोमनों की तवक्को और उम्मीद के बिल्कुल खिलाफ थी, लिहाजा वो ज्यादा देर तक मुसलमानों का मुकाबला न कर सके। आखिर शिकस्त उठाकर भाग खड़े हुए। हरकुलिस और असारीन की ये बदतरीन शिकस्त थी। उनके लश्कर की अक्सरियत तो पहले ही तीरों से चित कर रह गई थी। कुछ का उकबा बिन नाफे, मोहम्मद बिन औस और नईम बिन हमाद ने हमला आवर होकर खात्मा कर दिया और बचे कुचे लश्कर को लेकर हरकुलिस और असारीन जिधर से आए थे उधर ही को भाग गए। उकबा बिन नाफे, मोहम्मद बिन औस और नईम बिन हमाद ने उनका ताकुब किया, इसलिए कि उन्होंने रोमनों के पीछे पीछे ऊंट भी आते देख लिए थे। रोमन अपने ऊंटों को भूल गए। उस वक्त वो अपनी जानें बचाने की फिक्र में थे। कुछ दूर तक उनका ताकुब किया गया। जब उकबा बिन नाफे ने देखा कि भागने वाले रोमन अब उनके लिए बेजरर हो गए हैं, तब अपने लश्कर के साथ वो पलटा। जो ऊंट रोमन लेकर आए थे उन पर भी कब्जा कर लिया गया और उन्हें भी जहाज़ों के पास लाकर बिठाकर उनके घुटने बांध दिए गए थे। इसके बाद अपने पूरे लश्कर के साथ उकबा बिन नाफे फिर अपने काम में लग गया था। अब उकबा बिन नाफे के पास ऊंटों की तादाद दुगनी हो गई थी। जहाज़ों के अंदर से जिस कदर सामान निकाला गया था वो सबसे पहले उकबा बिन नाफे ने अपने ऊंटों पर लादा था। इसके बाद रात गए तक जो जहाज तोड़े गए थे और उनसे जो तख्ते हासिल हुए थे उन तख्तों को रस्सों के साथ बांधकर उन ऊंटों के कजाओं के साथ बांध दिया गया था जो रोमन लेकर आए थे, ताकि उन तख्तों को सहरा के अंदर घसीटते हुए कैरवान तक ले जा सकें। उन ऊंटों में कुछ पर रोमनों का खुर्दनोश का सामान भी लदा हुआ था, वो भी उकबा बिन नाफे के हाथ लग गया था। इस तरह उकबा बिन नाफे न सिर्फ उन जहाज़ों में लदा हुआ सामान हासिल करने में कामयाब हुआ था, बल्कि जहाज़ों के तख्ते भी अपने साथ कैरवान ले जाने में कामयाब हो गया था। हरकुलिस और असारीन जब अपने बचे कुचे लश्कर को लेकर कर्ताजना पहुँचे तो कर्ताजना पहुँचने पर जब उनकी शिकस्त और रोमन लश्कर के बड़े हिस्से के मारे जाने की इत्तला फैली तो कर्ताजना शहर के अंदर एक शोक सा बरपा होकर रह गया था। अपनी इन पे दरपे शिकस्तों और मुसलमानों के हाथों अपने नुकसान को सामने रखते हुए ग्रेगोरी और जस्टिनियन मुसलमानों पर बड़ा और जानलेवा हमला करने के लिए मनसूबाबंदी करने लगे थे। दूसरी तरफ उकबा बिन नाफे, मोहम्मद बिन औस और नईम बिन हमाद सामान से लदे जानवरों के साथ कैरवान पहुंचे। कैरवान शहर से बाहर ज़हीर बिन कैस, हनस बिन अब्दुल्ला, साले बिन हरीम, सकाना और दुया के हुक्मरान कसीला के अलावा दूसरे छोटे बड़े सालारों ने खुशी का इजहार करते हुए बेहतरीन इस्तकबाल किया था। वो ऊंट जो सामान से लदे हुए थे उन्हें तो उकबा बिन नाफे ने नईम बिन हमाद की निगरानी में शहर के अंदर भेज दिया था, और जो ऊंट लकड़ी के तख्ते घसीटते हुए लाए थे उन्हें शहर से बाहर रोक दिया गया था। इस मौका पर उकबा बिन नाफे ने सकाना को मुखातब किया। सकाना, सबसे पहले मुझे अपने कबीले के उन लोगों के पास ले चलो जो रोमनों के कतलेआम से बचकर लूटे पीटे यहाँ पहुँचे हैं।
मेरा उनसे मिलना ज़रूरी है, उन्हें मेरे मुतालिक शिकायत और शिकवे भी होंगे। सकाना, तुमने उन्हें बता दिया था कि मैं एक मुहिम के लिए निकला हूँ, वापसी पर मैं उनसे मुलाकात करूँगा। उकबा बिन नाफे जब खामोश हुआ तब सकाना बड़ी अकीदत और इरादतमंदी में कहने लगा, अमीर मोहतरम, आप इस सिलसिले में फिक्रमंद क्यों होते हैं? मैंने अपने कबीले के लोगों को बिल्कुल मुतमईन कर दिया है, उन्हें आपकी इस मुहिम का भी पता है। अब जब उन्हें खबर होगी कि आप अपनी मुहिम में कामयाब लौटे हैं और आप उनसे मिलने आ रहे हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ उनकी खुशियों की कोई इंतहा न होगी। सकाना की इस गुफ्तगू से उकबा बिन नाफे मुतमईन और खुश हो गया था। फिर सकाना के अलावा मोहम्मद बिन औस, ज़हीर बिन कैस, कसीरा और दीगर सालारों के साथ उकबा बिन नाफे उस सिमत जा रहा था जहाँ सकाना के कबीले के लोगों को रखा गया था। कैरवान शहर से बाहर खेमों का एक छोटा सा शहर आबाद कर दिया गया था जिसके अंदर सकाना के लोगों को रखा गया था। वहां के लोगों को जब पता चला कि उकबा बिन नाफे और दीगर सालार रोमनों के खिलाफ अपनी मुहिम से कामयाब लौट आए हैं और उकबा बिन नाफे और दूसरे सालार उनकी अहवाल पुरसी के लिए आ रहे हैं, तब उन लोगों की खुशी की कोई इंतहा न थी। सब लोग, क्या मर्द, क्या औरतें, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, सब अपने खेमों से निकलकर खुशी का इजहार करते हुए उकबा बिन नाफे और दूसरे सालारों का इस्तकबाल करने लगे थे। जब सब लोग उकबा बिन नाफे के गिर्द जमा हो गए तब उकबा बिन नाफे उन्हें मुखातब करके कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, माओ, बहनों, भाइयों, रोमनों ने तुम लोगों पर हमला आवर होकर जो तुम्हें नुकसान पहुँचाया है उसके लिए मैं इंतहा दर्जे का माजरत ख्वाह हूँ। हमारी बदबख्ती के रोमनों की इस मुहिम जोई की खबर हमारे मुखबर हमें बरवकत न दे सके और वैसे भी उस वक़्त मैं रोमनों के खिलाफ जामा की मुहिम पर गया हुआ था। सकाना भी मेरे साथ था, तुम्हारे कबीले के सारे जंगजू भी हमारे साथ थे। अगर वो कबीले में होते तो शायद ये हमला आवर रोमन इस तरह मनमानी न कर पाते। बहरहाल मैं एक बार फिर मुआजरत ख्वाह हूँ। यहाँ तक कहते कहते उकबा बिन नाफे को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि सकाना के कबीले का एक बुजुर्ग लोगों के हजूम को चीरता हुआ उकबा बिन नाफे के पास आया और बड़ी खुशतबी में कहने लगा, अमीर मोहतरम, आपको इस अंदाज में हमसे मुआजरत करने की ज़रूरत ही नहीं है। अमीर मोहतरम, हमने इससे पहले इन सहराओं में ख्वाहिशों को रेजा रेजा, सायों को पारा पारा, दिलो जान गजीदा और आफत रसीदा, सफाक वहशतें और अजाब बहुत देख रखे हैं। यहाँ तक कहने के बाद वो बूढ़ा जब खामोश हुआ तब उसके इन अल्फाज से मुतासर होते हुए उकबा बिन नाफे आगे बढ़ा। उस बूढ़े बर्बर को उसने अपने साथ लिपटा लिया था, उसकी पेशानी कई बार चूमी, फिर उसे मुखातब करते हुए खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, मैं तुम लोगों के सब्र, तुम लोगों के हिलम और तुम लोगों की बर्दाश्त और शुजात को सलाम पेश करता हूँ। मैं तुम लोगों से इस बात पर भी मुआजरत ख्वाह हूँ कि जिस वक़्त तुम लोग लुटे पीटे यहाँ पहुँचे उस वक़्त मैं तुमसे मुलाकात न कर सका, इसलिए कि मुझे अपनी इस मुहिम पर जाने के लिए जल्दी थी। इसके बाद अपने पहलू में खड़े सकाना को मुखातब करके उकबा बिन नाफे कहने लगा, अपने सारे आदमियों को मुखातब करके पूछो, अगर इन्हें मुझसे कोई शिकायत हो तो कहें। सकाना ने जब आवाज़ देकर उनसे पूछा तो सब लोग हाथ खड़े करते हुए उकबा बिन नाफे के हक में नारे लगाते हुए अपनी खुशी और तमानियत का इजहार करने लगे थे। उनके जज्बे को उकबा बिन नाफे ने कदर की निगाह से देखा, फिर उन्हें मुखातब करके कहने लगा, मेरे अजीज भाई बहनों, ये न समझना कि हम तुम्हें दायमी तौर पर इन खेमों के अंदर रखेंगे। ये जो मेरे पीछे अनगिनत ऊंट खड़े हैं, इनके साथ लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते बंधे हुए हैं, मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। आज रात ही से पूरा लश्कर हरकत में आएगा और कैरवान के नवाह में तुम्हारी रिहाइश के लिए बेहतरीन एक बस्ती आबाद कर दी जाएगी जिसमें तुम लोग रहोगे। इसके बाद जब हालात ने मुझे इजाज़त दी तो मैं तुम्हारी सरजमीनों को तुम्हारे लिए एक बार फिर आबाद करूंगा और तुम एक रोज़ अपने इलाकों की तरफ लौटोगे। यहाँ रहते हुए हम लोग तुम लोगों को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। यहाँ तक कहने के बाद उकबा बिन नाफे जब खामोश हुआ तब सब लोग उसके हक में नारे लगाते हुए खुशी का इजहार कर रहे थे। फिर उकबा बिन नाफे सकाना का हाथ पकड़कर एक तरफ ले गया और चलते चलते बड़ी राजदारी में उसे मुखातब करके कहने लगा, सकाना, मैं जिस मौजू पर तुमसे गुफ्तगू करने लगा हूँ उस मौजू पर मैं रास्ते में मोहम्मद बिन औस और नईम बिन हमाद के साथ तफसील के साथ गुफ्तगू कर चुका हूँ। अब तक रोमनों के साथ हमारी छोटी मोटी मुहिमें होती रही हैं, अब मैं अपनी पूरी ताकत और कुव्वत को उस्तवार करके रोमनों के खिलाफ अपनी असल कार्रवाइयों की इब्तिदा करूँगा। फिलहाल मैं उनके मरकजी शहर कर्ताजना को नज़रअंदाज कर दूंगा।
कर्ताजना के इर्द गिर्द जो उनके शहर हैं उन पर हमला आवर होना शुरू हो जाऊंगा। इसके अलावा रोमनों की जो इतिहादी कुवतें हैं उन पर जरब लगाऊंगा। सकाना, मेरा इरादा है कि अलजीम से लेकर फास और तंजा तक जिस कदर इलाका है उसे इस्लामी ममलिकत में शामिल किया जाए। मैं जानता हूँ इसके लिए हमें बहुत सी कुवतों से टकराना पड़ेगा। उन कुवतों में रोमन हैं, गात, विंदाल, हिन और गाल हैं। इनके अलावा बर्बरों का सालार ब्रानस है जो अपने पास एक बहुत बड़ी कुवत रखता है, और फिर कफका का बादशाह एलेक्स है। यही नहीं बल्कि 4-5 शहरों पर काबिज यहाँ के पारसी और मजूसी हैं जिनकी बहुत बड़ी कुवत है, और फिर जाप की सल्तनत है, गमारा का बादशाह बलियान है। इन सब से हमें निमटना होगा। खुदावंद ने चाहा तो इन सारी कुवतों को एक रोज अपने सामने जेर करके अलजीम से लेकर तंजा तक सारे इलाकों को मुसलमानों का मुती और फरमाबरदार बना कर रख देंगे। सकाना, मैं जानता हूँ ये बड़ा कठिन, मुश्किल और दिक्कत तलब काम है, लेकिन हमने बहरहाल इसे करना है। सकाना, ये गुफ्तगू मैं अलैदगी में तुमसे कर रहा हूँ कि वहाँ कसीला है। कसीला पर मैं किसी किस्म का एतबार नहीं करना चाहता और साथ ही उसकी दिलशिकनी भी नहीं करना चाहता, इसलिए कि बज़ाहिर वो मुसलमान है, लिहाजा ज़ाहिरी तौर पर हम उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। चंद रोज तक तुम्हारे कबीले के लोगों के लिए रिहाइश गाहें तामीर कर दी जाएंगी, इसके बाद मैं अपनी मुहिम की इब्तिदा करूँगा। कसीला को लश्कर में शामिल रखा जाएगा, लेकिन इस मौके पर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम अपने कबीले के कुछ लोग मुकर्रर किए रखना जो कसीला पर गहरी निगाह रखें, ताकि किसी मौका पर वो हमारे लिए खतरे का बायस न बन जाए। चलते चलते उकबा बिन नाफे और सकाना अपने लोगों के अंदर घुस गए थे। उकबा बिन नाफे जब खामोश हुआ तब सकाना छाती तानते हुए कहने लगा, अमीर, आप किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं? मैं पक्का सच्चा किस्म का मुसलमान हूँ। वक्त आया तो सकाना और उसके कबीले वालों की जानें भी मुसलमानों के तहफ़ और सलामती की सरबुलंदी के लिए वक़फ कर दी जाएंगी। कसीला की आप फिक्र न करें, मेरे कुछ आदमी उस पर निगाह रखे हुए हैं। इसके बाद सकाना का हाथ पकड़े उकबा बिन नाफा इस अंदाज में सकाना के लोगों के अंदर घूमने लगा जैसे उनके हालात का जायजा ले रहा था। यहाँ तक कि उसने सकाना को मुखातब किया, जिस मौजू पर मैं तुमसे गुफ्तगू करना चाहता था वो तो हो गई, अब ये कहो कि क्या तुम अपने कबीले के लोगों में खाने पीने की अशिया तकसीम कर दी हैं? इस पर सकाना मुस्कुराते हुए कहने लगा, अमीरे मोहतरम, आप इस सिलसिले में बिल्कुल बेफिक्र रहें, सब लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक सामान मुहैया कर दिया गया है। अगर आपको मुझ पर एतबार ना हो तो आप सारे लोगों का खुद जायजा लेते हुए उनसे मुखातब होकर पूछ सकते हैं, लोग इस वक्त यहाँ खड़े हैं। सकाना के इन अल्फाज पर शिकायत भरे अंदाज में उकबा बिन नाफे ने उसकी तरफ देखा, फिर उसके शाने पर हाथ मारते हुए कहने लगा, सकाना, किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो? तुमने जो मुझे कह दिया यही काफ़ी है, मेरे लिए इत्मीनान का बायस है। इसके बाद उकबा बिन नाफा सकाना को लेकर उसके कबीले के लोगों से बाहर निकले। अपने सारे सरदारों और लश्करियों के साथ वो लकड़ियाँ जो ऊँट घसीट कर लाए थे उन्हें अलहदा करने लगे थे, और लश्करी उन ऊँटों को जो रोमनों के थे उन्हें एक तरफ ले जाने लगे थे। अपने सालारों से मशवरा करने के बाद उकबा बिन नाफे ने अपनी जंगी मुहिमों की 3 शहरों से करने का फैसला किया। पहले शहर का नाम अप्पा था। अप्पा वही कदीम शहर है जिसे आजकल त्रिपोली कहते हैं, और ये मौजूदा लीबिया का दारुल हुकूमत है, उसे त्राबलस कहते हैं। यहाँ बंदरगाह भी है, इसका पुराना नाम सरत भी था। दूसरा शहर जिस पर हमला आवर होने का फैसला किया गया सबराना, और तीसरा बल्तस था। इन 3 शहरों में से अप्पा और बल्तस में विंदाल आबाद थे, जबकि सबराना में ज्यादातर गातों की आबादी थी। इससे पहले हिजरी 22 में त्राबलस यानी अप्पा या त्रिपोली शहर मुसलमानों के हाथों फतह हो चुका था। कुछ मुअर्रखीन का ख्याल है कि ये हिजरी 23 में पहले मुसलमानों के हाथों फतह हुआ। बहरहाल यही वो अरसा था जो पहले पहल अरब फातिहीन मिस्र की फौजें त्राबलस तक बढ़ आई थीं। मुसलमानों के ये इब्तदाई हमले कब्जा जमाने के लिए नहीं बल्कि देखभाल के लिए थी, और बाद के दौर में जब उकबा बिन नाफे को वापस बुला लिया गया था तो इन 3 शहरों पर इन जंगजू कबाइल ने एक तरह से अपनी गिरफ्त मजबूत और मुस्तहकम कर ली थी। चुनाचे अपने काम की इब्तदा उकबा बिन नाफे ने इन्हीं 3 शहरों यानी अप्पा, सबराना और बल्तिस से करने का फैसला किया था। चुनाचे उकबा बिन नाफे अपनी लश्कर के साथ हरकत में आया और बड़ी बरक रफ्तारी से सबसे पहले उसने अप्पा का रुख किया था। अप्पा और बल्तिस पर ज्यादातर गिरफ्त विंदालों की थी।
जहां तक विंदालों का ताल्लुक है तो ये शुमाल के बर्फिस्तानों से नमोदार हुए थे। उनके गिरोह के गिरोह आपस में मिलते हुए ताकत और कुव्वत पकड़ने लगे। फिर उन्होंने जनूब का रुख किया। शुमाल के बर्फिस्तानों से निकलते हुए पहले उन्होंने जनूब मशरक में पेशकदमी करनी शुरू की। जो आबादी उनके रास्ते में आई उसे वो आंधी और तूफान की तरह रोनते और उसकी खाक उड़ाते चले गए थे। यूनान के शुमाल में जो सरजमीनी थी उनके करीब आकर इन्होंने अपना रुख बदला, एकदम बाएं जानब मुड़े और इटली में दाखिल हुए। इटली को उन्होंने खूब रौंदा। रोमन उनके सामने अपना दिफा न कर सके। इटली को पामाल करने के बाद इन्होंने जनूब का रुख किया और रोम पहुंचे। रोम उन दिनों रोमनों का मरकज था, लेकिन रोमन इन विंदालों के सामने ऐसे बेबस हुए कि अपना दिफा न कर सके। विंदाल क्योंकि खाना बदोश थे लिहाजा एक जगह जमकर क्याम करना उनके लिए मुमकिन न था, लिहाजा वो रोम शहर में भी जम करना बैठे। यहाँ उन्होंने अपना बहरी बेड़ा तैयार किया और बहरे ओकियानूस की लहरों को रोनते हुए वो अफ्रीका के साहिल पर पहुंचे। उन दिनों जब विंदाल बहरी बेड़े के जरिए अफ्रीका की तरफ आ रहे थे, एक सालार और एक तरह से उनका हुक्मरान एक शख्स गेसरक था। यही गेसरक 429 ईस्वी में अफ्रीका के साहिल पर पहुंचा। सबसे पहले जो उसके सामने शहर आया वो कर्ताजना था। ये कर्ताजना बुनियादी तौर पर कनानी अरबों का आबाद करता था, लेकिन उनसे चीनकर रोमनों ने उन पर कब्जा कर लिया था। और जिस वक़्त विंदाल अपने सालार गेसरक की सरकर्दगी में अफ्रीका के साहिल पर पहुंचे थे, उस वक़्त ये सारे इलाके रोमनों के कब्जे में थे। चुनाचे विंदाल अपनी बहरी बेड़े के साथ अफ्रीका के साहिल पर उतरे। पहले उन्होंने कर्ताजना का रुख किया। यहाँ उनकी मुठभेड़ रोमनों से हुई। रोमनों की उस वक़्त अफ्रीका के शुमाली हिस्सों में बड़ी ताकत और कुव्वत थी। रोमन अपने आप को बड़े जंगजू और सूरमा ख्याल करते थे, लेकिन जब रोमनों का टकराव इन विंदालों से हुआ तो विंदाल वैशी खाना बदोश और जंगजू थे। उन्होंने रोमनों को अपने सामने कंगाल कर दिया। रोमनों को उन्होंने बदतरीन शिकस्त दी और अफ्रीका में रोमनों के जिस कदर इलाके थे सब पर इन विंदालों ने कब्जा कर लिया था। विंदालों की अक्सरियत यहीं अफ्रीका में आबाद हो गई और उनकी कुछ आबादी मगरब की तरफ सफर करते हुए तंजा पहुंची। तंजा से उन्होंने फिर समंदर को पार किया। वो स्पेन में वारिद हुए। स्पेन को कंगालते, हर चीज पर हमला आवर होते, अपने लिए फवायद हासिल करते हुए फ्रांस में जा दाखिल हुए। फ्रांस में उस वक़्त वहशी ठाल थे, वो भी विंदालों का कुछ न बिगाड़ सके। आखिर ये विंदाल शुमाल की तरफ बढ़ते हुए मंथ की बंदरगाह पर जा पहुंचे और फिर वहां से उन्होंने अपना रुख शुमाल की तरफ मोड़ा। लिहाजा जो गिरोह शुमाल में आबाद नहीं हुआ था उन्हीं इलाकों की तरफ चला गया जहां से निकलकर उन्होंने इधर का रुख किया था। जो विंदाल अपने सालार गेसरक की सरकर्दगी में शुमाली अफ्रीका में आबाद हुए थे उनसे मुतालिक मशहूर मगरबी मौरख CWC ओमैन अपनी किताब बजंतीनी अम्पायर में लिखता है, शुमाली अफ्रीका में रोमनों के इलाकों पर कब्जा करने के बाद ये विंदाल लगभग 104 साल तक इन इलाकों पर हुकूमत करते रहे। रोमनों की बड़ी ख्वाहिश थी कि अफ्रीका में विंदालों से ये मकबूज आजाद वापस ले लें, लेकिन उन दिनों रोमनों की सल्तनत पर और बहुत से वैशी खाना बदोश कबैल हमला आवर हो रहे थे, जिनमें गात, गाल और हिन बड़े अहम थे, जिनकी बिना पर रोमन लगभग 104 साल तक अफ्रीका में विंदालों की तरफ न देख सके। यहाँ तक कि जब कुस्तुंतुनिया में रोमनों का शहंशाह जस्टिनियन बना तो उसने 533 ईस्वी में इरादा कर लिया कि वो शुमाली अफ्रीका के सारे इलाके को विंदालों से वापस लेकर रहेगा। दूसरे मगरबी मौरख हेराल्डम के मुताबिक जून 533 में रोमनों के शहंशाह जस्टिनियन ने अपनी इस मुहिम की इब्तिदा की। एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा और लश्कर तैयार किया। उस लश्कर का कमांडर उसने अपने बेहतरीन सालार बेलिसारियूस को बनाया। कहा जाता है कि जिस वक़्त रोमनों ने अपने सालार बेलिसारियूस को विंदालों पर हमला आवर होने के लिए अफ्रीका की तरफ रवाना किया, उसकी रवानगी के वक़्त रोमनों का शहंशाह जस्टिनियन और उसका असकफ आजम एक जलूस की शक्ल में बंदरगाह पहुंचे जो शहंशाह के महल के करीब वाकया थी। उस जलूस के आगे रोमनों के मुकदस बुत थे जिन्हें रेहान की शाखों से हवा दी जा रही थी। उस बंदरगाह के करीब ही आया सोफिया के संगीन सतून बुलंद थे। सबसे पहले असकफ आजम ने बेलिसारियूस को इस मुहिम के लिए दुआ दी। इसके बाद जहाजों के बादबान खोल दिए गए। सबसे ऊपर का बादबान करमजी रंग का था, उसके साथ एक कंदील बंधी हुई थी। यूं विंदालों से अपने इलाके वापस लेने के लिए रोमनों का सालार बेलिसारियूस अफ्रीका की तरफ रवाना हुआ। बड़े जहाजों के अलावा छोटी छोटी कश्तियां भी
उसके बहरी बेड़े के पीछे रवाना हो गई थी। दरअसल जस्टिनियन ने अफ्रीका पर हमला आवर होकर विंदालों से अपने ये इलाके वापस लेने के लिए कोई इतफाकी फैसला नहीं किया था, बल्कि जस्टिनियन के दौर में कुछ राहिब जो अप्पा शहर में थे विंदालों के तहत जिंदगी बसर कर रहे थे, वो अप्पा से कुस्तुनतुनिया पहुंचे और उन्होंने कुस्तुनतीन को अंगेख्त किया कि वो विंदालों पर हमला आवर होकर अफ्रीका के अपने मकबूजा जात उनसे वापस ले लें। दरअसल इन राहबों ने ये मशवरा इस मौसम में दिया था जिसमें विंदाल अमूमन और अक्सर बहरी कजाकों का ताकुब करने के लिए अपने बहरी बेड़े को समंदर में उतारते थे। चुनाचे इन्हीं राहिबों की अंगेख्त पर रोमनों के शहंशाह जस्टिनियन ने एक बहरी जहाज में 120 मुंतखब आदमी अफ्रीका के साहल पर रवाना किए और उन्हें ये हिदायत की कि वहां जाकर वहां रहने वाले लोगों को विंदालों के खिलाफ बगावत पर उकसाएं और ये अफवाह फैला दें कि सारडिनिया जो उन दिनों विंदालों के पास था वहां के गवर्नर ने बगावत कर दी है और विंदालों के खिलाफ कुस्तुनतुनिया से इमदाद तलब कर रही है। चुनाचे वो 120 आदमी अफ्रीका पहुंचे और उन्होंने विंदालों के खिलाफ और रोमनों के हक में काम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद जल्द ही जस्टिनियन ने अपने सालार बेलिसारियस को विंदालों पर हमला आवर होने के लिए अफ्रीका की तरफ रवाना कर दिया। जिस मौसम में रोमनों का सालार बेलिसारियस अफ्रीका पर हमला आवर होने के लिए रवाना हुआ था उस मौसम में जहाज़ों के जरिए समंदर को अबूर करना आसान था। ये मौसम मई से जून तक था। इसके बाद समंदर में तूफान आने शुरू हो जाते थे जिसकी वजह से जहाज एक दूसरे से अलग होकर बिखर जाते थे। बेलिसारियस को अफ्रीका की तरफ रवाना करते वक्त रोमनों के शहंशाह जस्टिनियन उसे पूरी अख्तियारात सौंपते हुए कह दिया था, तुम्हारा हर हुक्म मेरा हुक्म समझा जाएगा। ताती अपने एक लायक और वफादार ख्वाजा सरा सालोमोन को भेज दिया था क्योंकि अंदेशा था कि बेलिसारियस कहीं अफ्रीका पहुंचकर खुद सर न हो जाए और जस्टिनियन के खिलाफ बगावत न कर दे।